हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरे बेडरूम का टूर। आई होप ये बेडरूम मेरा आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत दिल से बनाया है। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं मेरे बेडरूम के टूर से। कम ऑन। नीचे का लिविंग एरिया है उसको मैंने कम्प्लीटली एंशियंट मोघल एरा के टाइप का बनाया था। नीचे का आपने वीडियो ऑलरेडी देख लिया होगा मेरे ख्याल से, तो उसके थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए, ताकि नीचे और ऊपर का लुक टोटली डिफरेंट लगे, क्योंकि ये कम्प्लीटली वो ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे है, तो इसलिए मैंने सोचा इसको कम्प्लीटली डिफरेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंशियंट और मॉडर्न दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के यूरोपियन स्टाइल में अपना जो बेडरूम है उसको डिजाइन किया है, क्योंकि मुझे व्हाइट में मेरा बेडरूम चाहिए था और व्हाइट के लिए यूरोपियन स्टाइल सबसे बेस्ट है। और वो रिच लुक देने के लिए, वो एंशियंट लुक देने के लिए और मॉडर्न का टच देने के लिए सारी चीजों का मिक्सचर यूरोपियन स्टाइल में आता है, तो इसलिए मैंने इसको चूज किया है। और ये जो कम्प्लीटली डिजाइन है वो मैंने किया है। लिविंग एरिया का जब मैंने टूर शेयर किया था तो मैंने उसमें बोला था कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो उसमें कई लोगों ने मुझे कमेंट करके ये पूछा है कि आप अपने इंटीरियर डिजाइनर को क्रेडिट क्यों नहीं देते हो, सब क्या आप ही ने किया है? यस, डेफिनेटली मैंने किया, क्योंकि मेरा कोई इंटीरियर डिजाइनर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा दिमाग है। हाँ, मैंने अगर किसी का सहारा लिया है, किसी का हेल्प लिया है, तो वो था गूगल, जहाँ से मैंने कम्प्लीटली मेरा डिज़ाइन, मेरा सब कुछ, प्लानिंग वगैरह सब कुछ मैंने वहीं से सेलेक्ट किया है। तो ये मेरा इमेजिनेशन है, ये मेरी डिज़ाइन है, ये मेरा सब कुछ है, मैं इसकी क्रेडिट बिल्कुल लूँगी। और हाँ, इस डिज़ाइन को रियलिस्टिक में लेकर आने के लिए जिन लोगों ने मेरी हेल्प की है वो है सबसे पहले शहजाद शेख, इनका दूसरा नाम है बबलू, और दूसरे जो है वो है कलीम भाई। यही वो दो लोग हैं जिन्होंने मेरे इमेजिनेशन को रियलिस्टिक में लेकर आने के लिए हेल्प की है, लिविंग एरिया में भी और मेरे बेडरूम में भी। वो क्रेडिट उन्हीं को ही जाएगा, ठीक है। सो शुरू करते हैं मेरे आज के बेडरूम के टूर से। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। जैसे यहाँ के आप देख सकते हो, ये है मेरा बेडरूम का दरवाजा, ठीक है। सारे डोर्स आप जितने भी देखोगे सब कुछ मैंने यूरोपियन स्टाइल में ही, जो हमारे डोर्स होते हैं वही मैंने बनाया है। ये है मेरा दरवाजा जिसको मैंने इस तरीके की पैनलिंग दी है। अगर आप यूरोपियन स्टाइल में जाते हो तो ये पैनल वाले दरवाजे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैंने पैनलिंग बनाने के बावजूद उसमें इस तरीके की मोल्डिंग लगवाई है। तो ये मेरा दरवाजे का जो कम्प्लीटली सारे यहाँ पे टोटल चार दरवाजे लगे हैं, चारों को मैंने उस तरीके से लुक दिया है। और उसके बाद इस घर की शोभा बढ़ाने के लिए, इस बेडरूम की शोभा बढ़ाने के लिए जो मेरा डिजाइन था वो था ये पैनल वाली वॉल्स, जिसको हम वेन कोस्टिंग भी बोलते हैं, जो यूरोपियन और अगर आप यूके यूएस सब जगह देखोगे तो ये वेन कोस्टिंग की जाती है वॉल पे, जिससे मतलब वॉल का लुक कमाल लगता है। हर एक वॉल पे मैंने इस तरीके का पैनलिंग होती है ये किया है, ठीक है। ये सारी पैनलिंग्स और इसको प्रॉपर मेजर करके हम लोगों ने किया, मेरी वॉल्स जितनी है, मुझे सेक्शंस कितना देना है। आप इसमें इक्वल सेक्शंस भी दे सकते हो, जैसे तीनों को एक साइज दे सकते हो, या फिर दो को छोटा, एक बड़ा, मिडल वाला, इस तरह से दे सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। कंप्लीट या पूरे बेडरूम में अगर आप देखोगे ना तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा चॉइस है मैक्सिमलिस्टिक डिज़ाइन। अभी जो मॉडर्न टाइप चलती है वो मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन चलती है, जो मुझे इतनी कहीं खास पसंद नहीं है। मुझे जो पसंद है वो यही है जो मैंने टूर में मेरे बेडरूम में मैंने किया है, ठीक है। इसके बेडरूम के मेरे बाजू में था मेरा ऑफिस, जिसको मैंने कम्प्लीटली हटा दिया है और मेरा ऑफिस को मैं लेके चले गई हूँ इसके ऊपर वाले फ्लोर पे, और ऑफिस अभी वहाँ पे है। लेकिन फिर ये एरिया को मैंने मेरा जो है क्लोजेट है वो बनाया है, जैसे आप देख सकते हो। मैं इसको अभी ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी आपको, क्योंकि इसका मैं आपको कम्प्लीटली तोड़ दूंगी। तो ये जो है ये है मेरा क्लोजेट, जिसको पूरे ऑफिस एरिया को मैंने अपना क्लोजेट बना लिया है। और इसका आप देख सकते हो ये दोनों पिलर इस तरीके से बनाए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये सारे पिलर्स, ये वेन कोस्टिंग, ये सारे पूरी टेक्निक है यूरोपियन स्टाइल की। ये पूरा तरीका है यूके यूएस वाली स्टाइल का, जो इसको मतलब एक रिच लुक देती है। यूके का स्टाइल है जो मैंने पैनलिंग की है। और हाँ, ये सारे जो चीज़ें की है मैंने सबको मोल्डिंग्स यूज करके, वुडन मोल्डिंग्स यूज करके ये सारी चीजें मैंने बनाई है। और ये कोई एक मोल्डिंग नहीं थी, ये मैंने तकरीबन दो से तीन मोल्डिंग्स को मिला के उसकी डिजाइन बना के मैंने सारी चीजें की है। तो उसके बाद अगर जब इसके आगे अगर आप आओगे
तो यहाँ पे आता है मेरा बेड का सेक्शन। बेड के सेक्शन को कम्प्लीटली डिफरेंट बनाने के लिए, एक इसको उठाने के लिए मैंने यहाँ पे दो ऐसे पिल्लर डिजाइन किए हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक एक सिंगल सिंगल मोल्डिंग्स को यूज करके मैंने ये पूरा पिल्लर डिजाइन किया है। तो ये दो पिल्लर्स मैंने ऐसे बनाए हैं ताकि जो मेरा बेड है वो इसके सेंटर में रहे और ये मतलब बहुत उठ के दिखे। मैं अपने फर्नीचर पे अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे जो फर्नीचर है वो है मेरा ये बेड, जो बहुत ही खूबसूरत आलीशान लगता है मुझे, ठीक है आपको लगे ना लगे लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बेड। और ये है ये कंसोल टेबल और इसका ये साइड टेबल, ये सारे एक ही फैमिली के हैं, एक ही इनके सारे डिज़ाइन हैं सब कुछ। और ये कंसोल टेबल अभी फिलहाल खाली है, इस पर मैंने कुछ रखा नहीं है, लेकिन इस पर मेरा थोड़ा सा वर्किंग एरिया के हिसाब से और थोड़ा सा डेकोरेशन के हिसाब से, जैसे फ्लावर वास कैंडल्स वगैरह आप इस पर रख सकते हो। और इसको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कलर ऐड करने के लिए और थोड़ा सा नेचुरल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे ये बैम्बू प्लांट रखा है, और उसको और भी ज़्यादा नेचुरल लुक देने के लिए ये जूट की बास्केट रखी है। तो ये होता है मेरा ये वाला सेक्शन कम्प्लीट। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा बेडरूम, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट जगह इस दुनिया में, अगर कहीं पे मैं सुकून से रहूँगी तो मेरा बेडरूम होगा। और मेरे ख्याल से हर किसी को यही लगता है उसका होम उसका बेडरूम। तो ये बेडरूम भी लेकिन इतना शांत है, और इसका ये जो वाइट जो पॉजिटिविटी देता है ना ये कलर, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना पॉजिटिव फीलिंग, इतना काम, इतना रिलैक्सेशन फील होता है, मेरा स्ट्रेस का लेवल ही एकदम कम्प्लीटली चला जाता है। और उसके बाद जो फीलिंग्स पे आती है मेरे अंदर वो बहुत ही डिवाइन और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मैं आपको बता नहीं सकती कैसी आती है मेरी फीलिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेड का एरिया। और उसके बाद जब अगेन आप आओगे, पैनलिंग की है वॉल्स की, मेरी हर एक वॉल को मैंने कुछ ना कुछ डिज़ाइन किया है। कोई भी वॉल आपको यहाँ पे खाली नहीं दिखेगी, ये मेरा तरीका है बेडरूम या कोई भी इंटीरियर डिज़ाइन करने का। ये जो टेक्निक है ये पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा उनके पैलेसेस वगैरह में सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, ये पुराना तरीका है। मुझे पुराना तरीका, जितने भी पुराने एंशियंट एरा वाले जो चीज़ें होती हैं मुझे बेहद पसंद है। और ख़ास करके अगर उसमें एक पैलेशियल लुक आता है और जब एक रिच लुक आता है तो मुझे और अच्छा लगता है। तो उसके बाद में आता है ये मेरा विंडो। ये जो पहला विंडो था ये छोटा था, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बड़े जो फ्रेंच विंडोज होते हैं मुझे वो पसंद है। यहाँ पे ये विंडो छोटा होने की वजह से मैं हमेशा इसको कर्टन से कवर करके ही रखती थी, लेकिन अब जो इस बेडरूम को अगेन एक और उठाता है वो है ये मेरा विंडो, जिसको मैंने बहुत बड़ा बनाया। उसका साइज़ को मैंने हर जगह से इंक्रीज किया है, यहाँ से भी बढ़ाया है मैंने, उसका पूरा नीचे तक पूरा विंडो लेकर गई और उसको बहुत बड़ा मैंने विंडो बनाया है। जो ये मैंने मेरे किचन में यूज़ किया था वही सेम स्टाइल में मैंने, क्योंकि मेरा किचन भी यूरोपियन स्टाइल वाला था तो इसलिए मैंने बेडरूम में भी यही वाला जो स्ट्रक्चर है या विंडो का जो डिज़ाइन या क्या बोलो पैटर्न है वो मैंने यहाँ पे चूज किया है। और फिर उसके बाद इसको जो अलग बनाता है वो है यहाँ की कर्टन्स। कर्टन्स को भी मैंने सिमिलर कलर में लिया है जैसे मेरा बेडरूम का कलर है। मुझे यहाँ पे हर जगह पे आपको सिर्फ वाइट 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 दिखेगा, सिर्फ एक थोड़ा सा मैं चाहती थी कि कहीं ना कहीं ये कलर एक्स्ट्रा ऐड किया जाए, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे एक नेचुरल प्लांट्स रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा वास रखा है और यहाँ पे मैंने एक चेयर बनवाई है। ये विंग वाली चेयर है, विंग वाली आर्म चेयर है, जिसपे बैठने के बाद, क्योंकि आगे उस तरफ मेरा पूरा गार्डन है तो गार्डन में जब आप देखोगे और यहाँ पे बैठोगे तो मतलब बहुत ही सुकून मिलता है। वो गार्डन मेरा नहीं है बाय द वे, मैंने सिर्फ मेरा गार्डन बोल दिया, वहाँ पे एक गार्डन है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा चेयर, जिसके पीछे अगेन मैंने प्लांट रखा है ताकि और भी वहाँ पे एक कलर्स भी ऐड हो, नेचुरल जो एक फीलिंग है वो ऐड हो और वो ऑब्वियसली कंप्लीट लगे और बहुत ही खूबसूरत लगे। और उसके बाद में जब आप यहाँ पे घूमोगे तो यहाँ पे आता है मेरा बाथरूम। अब बाथरूम के भी इस तरफ और उस तरफ के वॉल में देख सकते हो, अगेन उसको भी मैंने प्लेन नहीं छोड़ा है, वही सेम डिज़ाइन वही सेम पैनलिंग मैंने यहाँ पे की है, वही सेम वेन कॉस्ट्यूम मैंने यहाँ पे की है। उसके साथ साथ जो डोर है हर तरफ सेम है, तो ये जो डोर है मैंने अगेन पैनलिंग वाले बनवाए हैं, जिसमें अगेन मैंने अलग से बाहर से मोल्डिंग्स लगवाई है। तो इस तरफ जब आप आओगे तो हाँ ये वाला मैं आपको सेक्शन बताना भूल गई, और वहां पे वो सोफा भी और भी बहुत अच्छा लग रहा है। और अगेन हाँ कारपेट मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत पसंद आई थी, इसको भी मैंने अमेज़न से परचेज किया था, क्योंकि ये मेरे बेडरूम के साथ में भी जा रहा है और फिर भी इतना कुछ उठ उठ के नहीं दिख रहा है जैसे कि वो दिख रहा है। ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी लगेगी, ये सारी वॉल्स पे है। आपके बेडरूम को अगर आप यूरोपियन टच देके, यूके वाला टच देके, एक
अलग लेवल पे लेकर जाना चाहते हो ना, तो उसकी सीलिंग को आप इस तरह से डिजाइन करना जैसे कि मैंने किया है। आप देख सकते हो सबसे पहले तो मैंने क्या किया है, सीलिंग से मेरे रूम को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ये है मेरा बेड का एरिया और ये है मेरा वर्किंग एरिया या जो भी दूसरा एरिया आप कह सकते हो। इसलिए मैंने बेड के ऊपर फैन लगाया क्योंकि एसी भले से ऑन हो ना हो मुझे फैन की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे फैन। नॉर्मली अगर आप बिना फैन के रह सकते हो, सिर्फ एसी अगर आपको इनाफ है, बेड के पास जो है बेड के ऊपर आप झूमर लगा सकते हो, शैंडिलियर लगा सकते हो, लेकिन क्योंकि मुझे फैन की जरूरत थी तो मैंने फैन वहां पे लगाया है। और ये अलग एरिया बना के मैंने शैंडिलियर वाला जो लुक है वो मैंने यहाँ पे दिया है। और ये शैंडिलियर भी बहुत, आप इसको देख सकते हो कितना खूबसूरत है। ये अगेन एंशियंट टाइप में जाता है डेफिनेटली जाता है, क्योंकि इसका कलर, इसका पैटर्न, इसकी डिजाइन, इसका लुक माशाल्लाह है, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और इसको मैंने दिल्ली से परचेज किया था। ये हो गया मेरा शैंडिलियर वाला लुक। अगर मैं आपको सीलिंग की बात करूँ तो ये सीलिंग को ना धीरे धीरे करके डिजाइन करवाया था। आपको ऐसा लगे ये एक एक मैंने मोल्डिंग है, नहीं, एक सेक्शन को बनाने के लिए 6 या 7 इंच का कुछ वो सेक्शन था, उसको बनाने के लिए मैंने 3 से 4 मोल्डिंग्स को मिलाकर ये सारी चीजें बनाई हैं, ये सारी सीलिंग्स बनाई। और सीलिंग को थोड़ा सा वहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह चाहिए होती है, तो मैंने वहाँ पे कोव लाइट दी है। और हर जगह आप देख सकते हो ये मैंने 1 वॉट की, ये सारी 1 वॉट की लाइट्स है, मैंने हर जगह ये स्पॉट लाइट्स दी है। तो ये है मेरा बेडरूम का छोटा सा टूर है, छोटा सा बेडरूम है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और ये मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। इन केस अगर कुछ मिस आउट हो जाता तो मैं एंडिंग में इसका एक छोटा सा टूर भी दे दूंगी, कंप्लीट टूर, ताकि आपको और देखने के बाद समझ में आ जाए, ताकि इन केस अगर आप कोई आइडियाज वगैरह लेना चाहते हो तो ले सकते। बेडरूम के बाद ना ये जो मैंने आपको बताया ये है मेरा क्लोजेट, जिसको मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। सो गाइस, आई होप मेरा बेडरूम आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। मैं आपको कैसी लगी, मेरा बेडरूम आपको कैसा लगा, हम दोनों आपको कैसे लगे वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में। ऐसे बहुत सारे टूर मैं बहुत कम देती हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे रेगुलर वीडियोज के साथ में। तब तक ले, टेक केयर, बाय बाय।